जो पुष्पम प्रिया कल तक अखबारों की सुर्खियों या अखबारों के पन्नों पर नजर आ रही थी, आज मेरे पीछे इस तरह के होर्डिंग्स में दिख रही है। इसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। ये पुष्पम प्रिया है कौन जो अपने आप को सीएम कैंडिडेट बता रही है? इस तरह के पोस्टर्स और अखबारों में दिए जाने वाले विज्ञापनों का क्या फायदा है, उसका एक गणित मैं आपको समझा रहा हूँ। गणित ये है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर अभी लॉन्च होता है तो उसको आम जनताओं से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया, और ऐसे में इस पेज के जरिए या ऐसे विज्ञापनों के जरिए ये डायरेक्ट आम लोगों तक पहुंच जा रही है। कल जिस पुष्पम प्रिया का फेसबुक पेज पर लाइक 1 लाख से नीचे था, वो आज 1.5 लाख के आसपास ट्रेंड कर रही है। लगातार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर पुष्पम प्रिया को लोग सर्च कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पुष्पम प्रिया है कौन। तो पुष्पम प्रिया जेडीयू के पूर्व MLC विनोद चौधरी की बेटी है। ये विदेश में पढ़ी है और भारत बिहार के लिए कुछ करना चाहती है, ऐसा उसके पिता कह रहे हैं। इस तरह के होर्डिंग्स कल से लगे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। इस बात को लेकर के लगातार सर्चिंग है, या लोग जानना चाह रहे हैं या आम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर पुष्पम प्रिया चाहती क्या है और वो आम लोगों के बीच आकर के बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो प्रेस से बात करेगी, उस खबर को लेकर के हम फिर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल इसी तरह के और खबरों के लिए आप चाहें तो यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।